हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राकेश गोस्वामी और आप देख रहे हैं यूट्यूब का मैकिंग प्रोजेक्ट चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसका नाम था सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन का काउंटीमीटर, और उस वीडियो को सभी दोस्तों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था, इसलिए सभी दोस्तों को धन्यवाद। और काफ़ी दोस्तों ये कमेंट आ रहे थे कि आप नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेटर से आरपीएम मीटर बनाए, जिसके द्वारा हम मोटर जनरेटर अल्टरनेटर किसी का भी आरपीएम ज्ञात कर सके, यानी एक मिनट के अंदर कितना चक्कर लगाता है वो हमें पता चल सके। तो मैंने कैलकुलेटर से आरपीएम मीटर बनाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि कैलकुलेटर की इतनी कैपेसिटी नहीं होती जो कि इतना फास्ट वो अकाउंटिंग कर सके। तो मैंने आरपीएम मीटर को बनाने के लिए एक एंड्रॉयड फ़ोन और एक आईआर सेंसर का यूज़ किया, जिसके द्वारा हम बड़ी आसानी से आरपीएम मीटर बना सकते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस डिवाइस को बनाने के लिए मैं ज़्यादा कुछ कंपोनेंट की नहीं जरूरत पड़ने वाली है, इसमें कुछ ही कंपोनेंट की जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें होगा एक खराब ईयरफोन ले लीजिए, ठीक है, जो कि हर किसी पास बड़ी आसानी से मिल जाता है, और जिसमें केवल दो वायर हो वो अच्छे से काम करने चाहिए। जैसे एक तो ये पहला वाला हो गया जो होगा पॉजिटिव, और ये हो गया एक दूसरा जो लास्ट वाला, ये वो होगा इनपुट के लिए, ठीक है। तो मैं आपको एक बार इसकी कंटिन्यूटी चेक करा देता हूँ। तो मैं एक बार इसको मीटर से चेक करा के दिखा देता हूँ। जैसे ये पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव वाले को चेक करेंगे, तो उसके लिए देखिए पहले वाला ये होगा पॉजिटिव, ठीक है। और अब दूसरा चेक कराता हूँ इनपुट के लिए, ये होगा लास्ट वाला, ठीक है। इस तरह से बस ये दो वायर काम करने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमें एक जो आईआर रिसीवर होता है उसका यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा एक आईआर ट्रांसमीटर होता है उसका यूज़ करने वाले हैं, और एक स्विच का यूज़ करने वाले हैं जो कि पुश पुल स्विच होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक 1.5 वोल्ट की बैटरी का यूज़ करने वाले हैं, और इन सब को हम एक सर्किट बना करके जो फिट करेंगे वो एक 2 पिन होगा इसमें फिट करने वाले हैं, ठीक है। तो इस डिवाइस में हम दो सर्किट को तैयार करने वाले हैं। एक सर्किट वो होगा, देखिए जो ईयरफोन से कनेक्ट होगा वो होगा केवल आईआर रिसीवर, ठीक है। तो ये जो होता है आईआर रिसीवर है, इसमें ये जो है आईआर रिसीवर है जिसका पॉजिटिव सिरा होगा वो जो ईयरफोन होगा इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे, और दूसरा जो आउटपुट का सिरा हो यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस सर्किट को कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम आईआर रिसीवर को शोल्डरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको शोल्डर कर दिया है, ठीक है। अब जो दूसरी सर्किट होगी वो दिखा देता हूँ। दूसरी सर्किट होगी, इसमें एक आईआर ट्रांसमीटर होगा और एक बटन होगा, यानी पुश पुल बटन होगा, और दूसरा होगा 1.5 वोल्टेज बैटरी, ठीक है। 1.5 वोल्टेज की बैटरी इसको सेट कर देते, तो मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने इसको भी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको ये जो 2 पिन है इसके अंदर सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो उसको सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं, ओपन करके इसको इस तरह से कट कर लेते हैं जहाँ पे हमें इसकी जरूरत पड़े। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह से कट कर दिया, और इसको मैं सेट करके दिखाता हूँ। तो मैंने इस डिवाइस को सर्किट डायग्राम के अनुसार कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर, हल्का और पोर्टेबल टाइप का होगा, जिसकी वजह से हम अपने साथ में ले जा करके किसी भी अल्टरनेटर, जनरेटर या फिर मोटर का जो आरपीएम उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये हो गया आईआर रिसीवर, और ये हो गया आईआर ट्रांसमीटर,
हम एक स्विच से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और ये जो आईआर रिसीवर है वो इंफ्रारेड किरण को रिसीव करता है, और इसके आगे जो आरपीएम चेक करने के लिए एक जो डिवाइस की जरूरत पड़ेगी वो होती है डिटेक्टर, जो कि हमारा एक एंड्रॉयड मोबाइल काम करेगा। तो उसके लिए इंफ्रारेड को डिटेक्ट करने का काम एक एप्लीकेशन करेगा, जो कि आपको प्ले स्टोर से फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। प्ले स्टोर को ओपन करते हैं, ओके। और उसके बाद एक एप्लीकेशन है इंफ्रारेड साउंड डिटेक्टर, उसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ये जो पहले नंबर पे ये जो आप आइकन को अच्छे से ध्यान में रखिए, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद इसे ओपन करते हैं, ठीक है। तो अब मैं जो बता रहा हूँ आप उसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसको ये जो एप्लीकेशन है इसका अच्छे से यूज़ अगर आपको नहीं आएगा तो ये आरपीएम आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी दिखा रहा है, ये देखिए जो फ्रिक्वेंसी दिखा रहा है, फिलहाल जो फ्रिक्वेंसी दिखा रही है ये फेक फ्रिक्वेंसी है। ये जो फ्रिक्वेंसी दिखाएगा वही आरपीएम होगा, मोटर का वही आरपीएम होगा, लेकिन ये जो फ्रिक्वेंसी दिखा रहा है वो सेकंड में दिखा रहा है, यानी एक सेकंड में यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी एक सेकंड में कितना चक्कर लगा रही है मोटर, ठीक है। तो जो मोटर होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है स्लो स्पीड मोटर, एक होती है फास्ट स्पीड मोटर। स्लो स्पीड मोटर होती है जैसे कूलर की मोटर हो गई, चाकी वाली मोटर हो गई। अब हम ये जो डिवाइस तैयार किया है इसको इसके अंदर लगा देते हैं, ठीक है। मैंने इसको अंदर लगा दिया है, और जब हम देखिए एक मिनट, मैं मोटर को लाता हूँ, कूलर की मोटर, उसको लगा देता हूँ, ठीक है। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, चाहे हम जनरेटर मोटर या फिर किसी का भी जो आरपीएम निकाल रहे हैं उसके लिए उसका जो शाफ्ट है, उसका जो व्हील है, उस पर एक वाइट कलर की पट्टी होना जरूरी है, क्योंकि जो इंफ्रारेड ये जो सेंस करेगा वाइट कलर की पट्टी होगी, उससे अपवर्तन होकर इसको सेंस करेगा, ठीक है। तो उस पर व्हाइट कलर का मैंने एक टेप लगा दिया है और दूसरी साइड में ब्लैक कलर का टेप लगा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप जिस मोटर या फिर जनरेटर का आरपीएम चेक करें उस पर सेट कर दीजिए। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ, मोटर लगा देता हूँ, यानी मोटर को सप्लाई दे देता हूँ, तो ठीक है। अब हम बता देता हूँ मैं आपको, ये जो डिवाइस है इसको हम यहाँ से ऑन करेंगे, सर्किट के अनुसार आपको पता है कि ऑन करेंगे तभी ये जो आईआर ट्रांसमीटर है वो ऑन होगा। ऑन करने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे, लगाने के बाद हम कुछ टाइम रखते हैं, जब तक रखते हैं तब तक यहाँ पर एक रेड कलर की पट्टी आएगी, उस पे जो फ्रिक्वेंसी दिखाएगा, वो जो फ्रिक्वेंसी दिखाएगा वो फ्रिक्वेंसी कहने का मतलब है उस मोटर का एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रही है वो दिखा रहा है। वो फ्रिक्वेंसी बोल सकते हो या फिर वो मोटर का चक्कर बोल सकते हो। जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद देखिए मोटर को ऑन किया, और इस डिवाइस को ये देखिए, ठीक है, इस डिवाइस को हम इसके पास में लाते हैं। तो पास में लाने के बाद इसे ऑन करते हैं, ऑन करते हैं तो देखिए आप इसे कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रखिए, करीबन 5 या 10 सेकंड, ये देखिए 24.6 ये दिखा दिया इसने। अब हम इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अब हमें मान लीजिए पता नहीं चला कि वो कितना चक्कर कितना फ्रिक्वेंसी दिखा रहा था, तो उसके लिए ये जो लॉग ऑप्शन है LOG, इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए लास्ट वाला है, ये डिटेक्ट किया मैंने 24.6, और टाइम के अनुसार देख लीजिए 10:49, ये जो टोटल डिटेल आपको दिखा रही है ये आरपीएम कब का दिखा रही है, ये देखिए ऊपर है जो फ्रिक्वेंसी है, और हमने जो चेक किया हुआ 24.6 ये दिखा रहा है एक सेकंड के अंदर इस मोटर ने 24.6 यानी चक्कर लगा चुकी है। तो अब हम इसको आरपीएम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यानी 60 सेकंड में कितना चक्कर लगाए, तो उसको 60 से गुणा कर देते हैं। तो उसके लिए देखिए मान लीजिए 24 मान लेते हैं, तो 24 × 60 अब हम इक्वल लाते हैं, ये देखिए 1440 आरपीएम, यानी ये जो मोटर है वो 1 मिनट के अंदर 1440 चक्कर लगा रही है। तो इसका जो आरपीएम होता है वो इतना ही होता है, एकदम कोरेक्ट इसने बताया कि इसका कितना आरपीएम है, ठीक है। अब ये जो सलिल स्पीड वाली मोटर है उसका तो आरपीएम बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम जो फर्स्ट आरपीएम वाली मोटर होती है, जो जो बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड होती है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसके लिए हम एक इसमें सेटिंग करते हैं, तो सेटिंग होगी ऑप्शन में जाते हैं, ऑप्शन में जा करके हम यहाँ पे जो नीचे नीचे जो फ्रीक्वेंसी दिखा रखी है, ये जो
आरपीएम है ये केवल 1 सेकंड में 30 चक्कर तक लगाने वाली मोटर का ही आरपीएम दिखा सकती है, उससे ज़्यादा ये उसको एक्टिव नहीं कर सकती। तो उसके लिए हम जैसे मान लीजिए कोई कूलर ये जो ग्राइंडर मशीन होती है या फिर ड्रिल मशीन हो गया, तो उसका हम आरपीएम चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है उसको 300 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको डन कर देते हैं, हो गया डन। इसकी जो फ्रिक्वेंसी 300 हो गई, कहने का मतलब 1 सेकंड में जो मोटर 300 चक्कर लगा रही है वहाँ तक भी इसको डिटेक्ट करके आरपीएम में पता चल जाएगा। तो दोबारा हम डिटेक्टर पर जाते हैं। ठीक है, अब हम एक जो ड्रिल मशीन है उसका जो आरपीएम आपको चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको सप्लाई दे दिया। ठीक है, आप जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इस पे एक वाइट कलर का टेप लगाना है, तो मैं इसमें वाइट कलर का एक टेप लगा दिया है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से जिस तरह से इसको चेक किया था, उस मोटर को चेक किया था, उस तरह से इसको चेक करते हैं। इसको दबाए रखते हैं जितनी देर तक, तब तक यहाँ पे जो रेड कलर में इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ना बताए। ठीक है, तो हम इसको दबाते हैं। ठीक है, और अब इसके पास में लाते हैं। ठीक है, इसने इसकी जो फ्रिक्वेंसी वो बता दी है। अब हम ये देखिए यहाँ पे घट करके कम आ चुके हैं, तो उसको हम चेक करते हैं। तो लॉक पे जाते हैं, लॉक पे जाने के बाद लास्ट में ये देखिए 133.5, यानी 1 सेकंड के अंदर इसने जो चक्कर लगाए वो 133.5 चक्कर लगाए हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो अब हम 1 मिनट में यानी इसका जो चक्कर है वो आरपीएम निकालते हैं, तो उसके लिए 133.5, ठीक है, 133.5 इसको ×60। ठीक है, अब बराबर ये देखिए, इस ये जो ड्रिल मशीन है इसका जो आरपीएम है वो है 8010, 8010 यानी 1 मिनट के अंदर ये 8010 चक्कर लगाती है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक मशीन है उसका भी आरपीएम चेक करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, ये मशीन है, इसका आरपीएम चेक करके दिखाता हूँ, और मैंने इस पे वाइट कलर की जो टेप है उसको भी लगा दिया है। तो जिस तरह से उसका चेक किया था ठीक उसी तरह से इसको भी चेक कर लेते हैं। ओके, और देखिए, और तब तक इसको लगाए रखते हैं तब तक यहाँ पे रेड कलर की जो हर्ट्ज यानी फ्रिक्वेंसी वाली पट्टी ना आ जाए। ठीक है, इसको मैंने दबा दिया, अब मैं चलाता हूँ इसे। अब देखते हैं इसकी जो फ्रिक्वेंसी दिखाई इसने कितनी दिखाई है। यहाँ पे लॉक पे जाते हैं, क्लिक किया, और ये देखिए लास्ट में, ये देखिए लास्ट वाली है 200, 200.0 है। तो यानी ये जो मशीन है वो 1 सेकंड में 200 चक्कर लगा रही है, तो 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा यानी 60 सेकंड में कितना चक्कर लगाए, तो 60 से गुना कर देते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ, एक इसमें लगाया है 1 सेकंड में 200 चक्कर, गुना कर देते हैं यानी ×60, और बराबर यानी ये जो इसका जो आरपीएम है, इस मशीन का जो आरपीएम है वो है 12000 आरपीएम। ठीक है, और इस मशीन पे जो लिखा है लेबल पे वो भी देख लीजिए आप कि ये मशीन है, ये हमारा जो डिवाइस है एकदम करेक्ट बताती है फिर नहीं। ठीक है, तो ये देखिए इसका जो आरपीएम है मशीन के ऊपर दिखा रखा है, आप अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए इसका भी आरपीएम वो है 12000 आरपीएम, यानी 12000 पर मिनट के अनुसार ये चक्कर लगाती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ये जो मैंने डिवाइस बनाई बहुत ही यूजफुल डिवाइस है। आप किसी भी मोटर जनरेटर अल्टरनेटर जो रोटेट करता है उसका आरपीएम बड़े अच्छे से निकाल सकते हो, और इसमें जो कंपोनेंट है बहुत ही कम कंपोनेंट है, एक तो आरपीएम, एक तो आईआर ट्रांसमीटर और दूसरा आईआर रिसीवर, और बस आपको एक फ़ोन की जरूरत है जो कि एंड्रॉयड होना चाहिए, जिसके अंदर एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल होना चाहिए।
तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो कम से कम आप लाइक जरूर कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगले वीडियो मैं किस पे बनाऊँ, वो भी कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं।